और अब बात प्रधानमंत्री मोदी के कोलकाता दौरे की। पीएम मोदी आज दो दिन के कोलकाता दौरे पर जा रहे हैं, जहां उनके मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से मुलाकात होगी। दोनों ने एक साथ मंच भी शेयर करना है। दोनों एक साथ मंच पर भी होंगे, जो प्रधानमंत्री नागरिकता संशोधन कानून के नोटिफिकेशन के एक दिन बाद ही कोलकाता पहुंच रहे हैं, जिसका विरोध जमकर वहां पर हुआ है। कानून को लेकर पुरजोर विरोध यहां पर किया गया है। छात्रों के प्रदर्शन को देखते हुए राजभवन के आसपास धारा 144 लगा दी गई है। यहां प्रधानमंत्री और ममता बनर्जी की मुलाकात तय है। पीएम मोदी रामकृष्ण मिशन भी जाएंगे, उन्होंने खुद ट्वीट कर इसकी जानकारी दी। कल ही स्वामी विवेकानंद की जयंती है। प्रधानमंत्री बनने के बाद अपना पहला सफर में कोलकाता पहुंचने वाले हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, और उससे पहले सिक्योरिटी का पुख्ता इंतजाम किया जा रहा है कोलकाता में। आपको बता दें किस तरह से यहां पे परमानेंट गार्ड वॉल लगाया जा रहा है, क्योंकि एक ऐसी समय पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज कोलकाता पहुंचेंगे जब CAA और NRC के खिलाफ काफ़ी सारे संगठन प्रदर्शन कर रही है, रास्ते पे उतर के अपना जो रुख है, अपना जो रवैया है वो जाहिर कर रही है और इसके खिलाफ लड़ रही है। आपको दिखा दें कोलकाता पुलिस भारी तादाद में उनकी डिप्लॉयमेंट हुई है, और ये जो डिप्लॉयमेंट आप देख रहे हैं ये कोलकाता के जो राजभवन है उससे सिर्फ कुछ ही मीटर दूर पे है। आप देख सकते हैं मेरे दाहिने ओर है कोलकाता का राजभवन, जहां पे आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज रात को यहां पे रुकेंगे। शाम को जब 4 बजे वो कोलकाता लैंड करेंगे, उसके बाद सीधा राजभवन के रुख वो करेंगे, और वहीं पे कहा जा रहा है कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से भी उनकी खास मुलाकात हो सकती है। उसके साथ साथ शाम को बहुत सारे ऐसे कार्यक्रम हैं जहां पे प्रधानमंत्री खुद रहेंगे, और वो सब जो वेन्यू है वो राजभवन के आसपास रहेगा। इस इलाके में जो सेंट्रल कलकत्ता है, मध्य कोलकाता है, वहां पे होगा, और यही वजह है कि मध्य कोलकाता का ये जो इलाका है, इस इलाके को बिल्कुल सुरक्षित किया जा रहा है।